हम आप कभी कभी जीवन में जब थोड़ा सा दुख मिल जाए तो क्या कहते हैं, किसने दिया ये दुख, किसने दिया, भगवान ने। जो आइटम आपके पास हो ही ना वो आप किसी को दे सकते हैं क्या? आपके पास हो दो चक्का, कोई आपसे मांगने आवे चार चक्का, आप दे पाओगे क्या? क्या बोलोगे, भैया है ये नहीं है तो कहाँ से देंगे? तो जब यहाँ गुरुदेव भाई तो वो भला आपको दुख कैसे दे सकते हैं? हमारा आपका एक स्वभाव बहुत बुरा है, अगर घर का बच्चा बढ़िया 95% लाए, 95%, तो फिर माता पिता क्या कहेंगे? अगर कोई पूछे आपके बच्चे 95% लाया है, तो माता पिता पहले, अरे रतिया भर पढ़ता था, क्या बताएं, हम तो कहते रहते थे सो जाओ, ना खाना ना पीना ना घूमना, अरे पढ़ पढ़ के पागल हो गया तब जाके 95% लेके आया है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत है तो बोलना चाहिए। और अगर आपका वही लइकवा फेल हो जाए तो अब किसका दोष, किसका दोष? अरे भगवान कौन सा सामने सुनने को खड़े, थोप दे सब भगवान पे, सब भगवान का किया धरा है। हमारा लड़का तो पढ़ता था बेचारा, कितना पढ़े, भगवान ही को नहीं मंजूर है। हाँ भगवान को तो दूसरा कोई काम है ही नहीं तुम्हारे लड़का फेल करने के अलावा, और भगत थोड़ी ना है ठाकुर जी के कि वो अपने भगत को देखें, इसका नंबर घटाने में जरूर ठाकुर जी को इंटरेस्ट होगा। कैसी विचित्र सी बात है, अच्छा हुआ तो हमने किया, हमारे ने किया, बुरा हो गया तो जो सामने नहीं दिख रहा उस पे डाल दो सब तुमने किया। अगर जीवन में अच्छी चीज का श्रेय खुद ले रहे हैं ना, तो दुख का श्रेय भी भगवान को मत दीजिए, दुख का भी क्रेडिट लेने की आदत डालिए। अगर अच्छा मैंने किया है तो बुरा भी मैंने ही किया है, ये कहाँ का इंसाफ है, अच्छा मेरा बुरा तुम्हारा। और मैंने आपसे पूर्व दिवस की कथा में करबद्ध होकर एक प्रार्थना की कि भैया हम आप अपने जीवन में किए गए कर्मों का ही दुख भोगते हैं, भगवान कभी नहीं देते। लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है, सुधार लीजिए, ना देर है ना ही अंधेर है। इनके यहाँ अंधेर हो जाएगी तो दुनिया में ठिकाना नहीं मिलेगा, घर वाले भगा देंगे। इनके यहाँ ना तो देर होती है ना तो अंधेर होती है, देर होती है तो हमसे होती है। इन्होंने आने में देर नहीं की थी, द्रौपदी जी ने बुलाने में देर की थी। कैसे देर की, अपने हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ रखा है और मुख से कह रही है हे द्वारिकाधीश पधारो, कन्हैया मेरी रक्षा करो, गोविंद मेरी रक्षा करो। जब तक साड़ी पकड़ी थी तब तक भगवान नहीं आए। ठाकुर जी कहते हैं अगर मनुष्य एक उंगली का भरोसा भी स्वयं पर जब तक करता है तब तक मैं नहीं आता हूं। और ज्यों ही द्रौपदी जी ने चीर को छोड़ दिया और कहा मैं तो अपना लाज नहीं बचा पाई, अब तुम बचा सकते हो तो बचा लो, और फिर उसके बाद जो घटना घटी सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, कोई थाह नहीं लगा पाया चीर के उस अंबार का। कभी भी ठाकुर जी देर नहीं करते हैं, ठाकुर जी सदैव तत्पर हैं, हमें बुलाने का तरीका तो आ जाए। हम खुद ही छल में कपट में फंसे रहते हैं, अपने कारण दुखी होते हैं, कोई देता नहीं है, हमारा झूठ हमें रुलाता है, हमारा अधर्म हमें रुलाता है। आपको एक घटना सुनाऊं, एक पिताजी अपने बच्चे को लेकर ट्रेन में यात्रा करने निकले, जा रहे थे शहर के लिए, बच्चे की उम्र थी 6 साल, पर कद काठी से वो चार पांच साल का लगता था, तो पिताजी ने इसीलिए उसकी आधी टिकट कटवाई, पहले होता था ना तो आधी टिकट कटवाई कि कौन सा इसकी एज तो नहीं ना कोई, अरे बता देंगे कि नहीं है 6 साल का, 4-5 साल का है। अब वो देखने में 4-5 साल का लगे भी, अच्छा बच्चे को पता चल गया कि पिताजी ने हमारे झोल किया है, हमें 4-5 साल का बता के हमारी आधी टिकट ली है। अब जैसे ही आया वो ट्रेन में तो सामान बिकते रहते हैं ना, चने वाला आया, बच्चे ने कहा पिताजी चना, पिताजी ने कहा अभी तो घर से खा के आए फिर नहीं मिलेगा कुछ नहीं, बच्चे ने कहा दिला दो नहीं तो बता देंगे। पिताजी ने कहा बता दोगे, बोला टीटी अंकल को बता देंगे, आपने हमारी आधी टिकट ली है, हम 6 साल के हैं।
पिताजी ने कहा रे ये तो बला आई। थोड़ा सा अगले स्टेशन पे गाड़ी पहुंची, समोसा समोसा, पिताजी समोसा। पिताजी ने कहा अब तो चना खाया, हजाम बोला हजाम, समोसा बोला नहीं दिलाना, बता देंगे दिला दो नहीं तो बोल देंगे। पिताजी ने फिर समोसा दिलाया, थोड़ा आगे आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम, पिताजी कोल्ड ड्रिंक। पिताजी ने कहा अरे आज ही सारा खा लेगा साल भर का, अब कुछ नहीं दिलाऊंगा जो करने कर ले, दिला दो नहीं तो बता देंगे कि हम 6 साल के हैं। जितने स्टेशन आए इतना खाया, टिकट था 300 का 600 का खा गया। अब पिताजी माथा धोने, जब 600 खर्चा हो गया, पिताजी ने कहा अब तुम बता ही दो, अब तुम नहीं बताओगे तो हम बताएंगे कि मालिक हमसे गलती हुई, ये ढीठ का हमने आधा टिकट लिया। अब ये कष्ट देने वाला पिताजी को कौन था, कोई आया? उन्होंने खुद से उस निर्णय का चुनाव लिया जिस निर्णय में वो खुद फंस के रह गए। हमारे आपके जीवन के तमाम निर्णय ऐसे ही होते हैं जो हमें ही उलझन में डालते हैं, परेशान भी हम ही होते हैं, लेकिन सारे उलझन की चीज भगवान पे डाल देते हैं दुख। अच्छा आप अपने आप से पूछो, आपको ज्यादा अच्छी याद भगवान की कब आती है, सुख में कि दुख में? जोर से बोलिए। हाँ इसको मनई में रखना, कोई जान ना जाए। दुख में आती है ना, दुख में भगवान की हमेशा याद आती है। सुख आ जाए तो सबसे पहले फोन हाथ में आता है, फिर रिश्तेदार याद आते हैं, इनको बताना उनको बताना। अरे मेरे भैया जिसने आपको सुख दिया है सबसे पहले हाजिरी उसके द्वार की लगनी चाहिए। प्रभु तुमने कृपा की, देखो मेरा काम बन गया। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
सब काम हो रहा, जो हो रहा है, जो होगा, जो हो चुका है, ना कछु किया न कर सकूं, ना कछु करत शरीर, जो कछु किया सो हरि किया, कहत कबीर कबीर। जो जैसा होगा और जो होगा हमारे लिए अच्छा ही होगा, इस विचार को लेकर अगर चलेंगे तो हमेशा आनंद में रहेंगे। जहाँ रहिए, जिस परिवेश में रहिए, उसमें खुश रहने का स्वभाव बनाइए। अगर आपके पास दो तल्ला है तो दो तल्ले में आनंद से रहो, दूसरे का चार तल्ला दे के अपना करेजा जलाओ, मिलने वाला कुछ नहीं है। अक्सर लोग मिलते हैं ना तो लोग कहते हैं, दीदी भारत में ना अभी उतनी व्यवस्था नहीं है, दीदी भारत में अभी बड़ी गंदगी है, लोग नहीं समझ पाते हैं, विदेशों में जाके देखो इतनी सफाई, एक धूल नहीं, कचरा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मैं उनसे हाथ जोड़ के यही कहती हूँ, अमेरिका खूब सुंदर हो जाए, हमारे कौन काम का, हमको तो जिंदगी भारत में ही ना बितानी है। तो हमारे लिए भारत से अच्छा दुनिया में कोई भी, सबसे सुंदर। अगर मेरी एक झोपड़ी है तो मेरी झोपड़ी मेरे लिए महल से कम नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर जब वर्षा का पानी आता है तो मेरी झोपड़ी ही मेरा सर ढकती है, बगल वाले का मकान मेरा सर नहीं ढकता है। तो सबसे अच्छी हमारे लिए हमारी चीज है, जो ठाकुर जी ने जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त जिस दिन मानने लगेंगे आप आनंद में आ जाओगे, आपको जिंदगी में फिर दुख का अनुभव नहीं होगा। और एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं, सब लोग मेरे निवेदन को ध्यान से सुनिए, जो भजन करता है उसके जीवन में दुख नहीं आएगा, इस गलत फहमी को इसी पांडाल में छोड़कर चले जाइएगा। अगर मैं ठाकुर जी की कथा कृपा से उनके गा पा रही हूं, मतलब चंद्रकला जी को कोई तकलीफ नहीं, अजर अमर हो गई है, बिल्कुल नहीं, इस गलत फहमी में कतई मत रहिएगा। अभी 6 महीना हम झेल के आए हैं, लीवर की सर्जरी हुई वो हमने झेला, क्यों झेला? अब आपको, आप तो कई लोग कहते भी थे, दीदी आपको ऐसा कैसे हो गया? हमने कहा इंसान बन के आए हैं, गाय भैंस तो बने नहीं है, मनुष्य बने हैं, तो कमियां तो मनुष्य के ही देह में आएंगी। पेड़ पौधे तक तो बीमार हो जाते हैं भैया, कोई कीड़ा लग गया, कोई पत्ती सूख गई, तो इंसान होकर एक बीमारी आ गई तो क्या कोई आश्चर्य की बात है? हम इस गलत फहमी को पहले निकाल दे। कई लोग भजन करते ही इसलिए हैं कि आज से भगवान दुख मत देना, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? दुख तो कर्मों का भोग है, वो तो लेना पड़ेगा, पर आप जब भजन करोगे तो आपको दो फायदा होगा। पहला फायदा ये कि अगर जहां पे आपको तलवार के कटने का दुख मिलना होगा ना, मेरे ठाकुर जी सुई चुभा के उस कष्ट को निकाल देंगे, पहला फायदा। और दूसरा फायदा क्या? दूसरा फायदा ये कि जिंदगी में दुख आते रहेंगे पर आपके मन पर वो दुख हावी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मन में राम रहेंगे तो किसी विकार के ठहरने की जगह बचेगी ही नहीं। आप हर दुख में ये सोचोगे कि आज अगर दुख आया है ठाकुर जी कुछ मेरा अच्छा चाहते होंगे। ये 7 महीने भले ही मुझे लगा कि भाई कथा नहीं हो पा रही है, यहाँ की कथा भी आप ये मत सोचना कि ऐसे ही हो गई तुरंत, वो तो जीवज भैया जी लोग सब जानते हैं, लगभग ऐसा था कि कथा नहीं हो पाएगी। और मैं सच में इस व्यास गद्दी से आपसे निवेदन करूं कि पूरी तरह से इस कथा के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने सर्जरी के लिए जो बात कही थी वो ये था कि अब मेरा कम से कम साल से 1.5 साल जाएगा, क्योंकि अब लीवर में घाव बोलो तो पेट में ही सारा दबाव पड़ना है और लीवर से ब्लड निकल रहा था, अब वो घाव था इस कारण बोल नहीं सकती, अब बोलू नहीं तो कथा कैसी। तो जीवज भैया जी ने तो, हालांकि आप लोगों ने पिछले वर्ष ही बोला था, पर जब ये मेडिकल रीजन आया ना तो हमने खुद से कॉल करके बोला इस बार मुश्किल लगता है, नहीं हो पाएगा। पर ठाकुर जी की कृपा देखिए, कहां डॉक्टरों ने 1 से 1.5 साल बोला था और कहां दिसंबर में ही डॉक्टर ने अचानक बोला कि अब तो सर्जरी करनी पड़ेगी। जितनी कथाएं जिस डेट पर होनी थी वो सारी कथाएं उसी डेट पर हुई, एक भी कथा कैंसिल नहीं, सिर्फ एक हुई क्योंकि वो बहुत पहले होनी थी, बिल्कुल नवरात्र के समय की, और बाकी सब कथाएं सुनिश्चित हुई। अब आप इसमें कहो कि हम तो 6 महीना दुखी रहे, बड़ा हमने कष्ट झेला, 36 घंटा बेड पे तड़प रहे थे मछली की तरह, मैं वो चीज भूल चुकी हूँ।
क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है राघव जी चाहते तो 1.5 साल मुझे ये गद्दी नहीं नसीब होती, लेकिन मेरे राघव जी ने कृपा की 6-7 महीने में सब खत्म कर दिया और बोला तुम चकाचक कथा करो, कोई टेंशन नहीं। मेरा हीमोग्लोबिन, मैं आपसे सत्य बात कहूं, 5-6 बहुत बढ़ जाए, जब मेरा हीमोग्लोबिन 7 हो जाए ना तो मैं खुश हो जाती थी, मेरा खून बढ़ गया है। 7.5, 6 इस पे चलता था और आज बताऊं 12 है, हल्के में मत लेना। किसकी कृपा है ये? भोले बाबा कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। मैं आपको ये कथाएं इसलिए नहीं बता रही हूं कि आप मुझे कुछ अपनी सांत्वना प्रदान करो, अब कोई सांत्वना चाहिए ही नहीं, सब बीत गया। ये अनुभव मैं इसलिए आपके सामने रख रही हूं कि अगर मेरे पर मेरे राघव जी की इतनी कृपा है तो यहां बैठे हर एक शख्स पर मेरे ठाकुर जी की वही कृपा है, बस उस कृपा का दर्शन करने का स्वभाव बनाइए, आप बहुत आनंद में रहोगे। राघव जी का नामकरण करते हुए गुरुदेव ने कहा, हे दशरथ जी महाराज, ये आनंद सागर हैं, सुख की राशि हैं, और आपके सुख की राशि इन ज्येष्ठ पुत्र का नाम मैं राम रखता हूँ। बोलिए राम लला सरकार की। अब किसकी बारी आएगी? किसकी बारी? आप लोग मनवा में काहे बोलते हैं, हम कौन सा आपका नंबर काटते हैं? हमने कभी कंप्लेन करी कि आपका नंबर कट गया, आपने गलत उत्तर दिया है? आप करोड़पति में नहीं बैठे हो, राम कथा में बैठे हो। आज आपको एक बात बताऊं, आज श्री जनकपुर धाम में गए ना तो वहाँ बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ था, मुस्कुराइए आप जनकपुर में है। पढ़ा है कभी आपने? नहीं पढ़ा, जाके पढ़िएगा, लगा हुआ है फ्लैक्स। इसीलिए मैं भी आपसे पहले दिन से कहती हूँ, मुस्कुराइए आप राम कथा में है, मुस्कुराते रहिए, आप तो धाम में बैठे हो, आपको कौन सी चिंता। अब बारी आई है भरत भैया की। गुरुदेव ने क्या कहा? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। ये संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तो क्या भरत भैया राशन पानी की व्यवस्था करते हैं घर में? अनाज, राशन, भोजन? ना 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 ना, हमारे तन का आहार दाल चावल रोटी सब्जी हो सकती है, पर हमारे मन का जो असली आहार है वो है प्रभु का प्रेम। और भरत भैया कौन है? प्रभु के प्रेम की ही साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। जो भरत भैया का नाम जपता है उसके जीवन में भरत जी प्रभु का प्रेम प्रदान करते हैं, प्रेम से जीवन भरते हैं, इसीलिए भरत कहलाए। बोलिए भरत लाल सरकार की। अब किसका नंबर आएगा? जोर से बोलिएगा, किसका आएगा? ना ना, शत्रुघ्न भैया बाजी मार ले गए। जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका नाम स्मरण करने से शत्रुओं का मर्दन होगा, आपके ये लाल जी शत्रुघ्न कहलाएंगे। अब समझिएगा, मैंने आपसे एक दिन खट विकारों की चर्चा की थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 प्रकार के विकार, ये हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। कहते हैं गोस्वामी जी, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। साना समझते हैं? साना समझते हैं? हाँ ना बताइए, समझते हैं तो काय टाइम खराब करें, नहीं समझते हैं तो बताएं। दाल चावल कैसे खाते हैं? मिला के खाते हैं कि सान के खाते हैं? जोर से बोलिएगा। हाँ, हम बहिरा जाएंगे। सान के। मिलाई हुई चीज अलग की जा सकती है, पर जो चीज एक ही में सान दी जाए वो अलग होने वाली। गोस्वामी जी ने लिखा है कि हम सब के भीतर गुण और अवगुण सने हुए हैं, मतलब मिले हुए हैं। अगर राम कथा गाने का गुण ठाकुर जी ने मुझे दिया है तो ये नहीं है कि मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं होगा, अवश्य होगा। सबके भीतर गुण भी है और अवगुण भी है, ये अलग नहीं हो सकते। तो हमें आपको क्या करना है, अवगुण को ना देखकर अगर गुणों की तलाश करना शुरू करेंगे तो हम अपने सामने वाले से संबंध का निर्वाह बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
सीधे शब्दों में कहूं तो सामने वाले की कमी को देखना बंद कर दिया जाए। भोले बाबा मैया सती पर चाहते तो क्रोध करते, करते ना सती, आपने मेरी बात नहीं मानी, मैंने कितना समझाया, अब मैं आपका परित्याग करता हूं। एक भी शब्द बाबा ने कहीं रोष करके बोला है? क्यों नहीं बोला? क्योंकि महादेव जो भी घटना घटी उसमें सती मैया का दोष मानते ही नहीं है। किसका है ये? बहुरी राम माय ही सिरु नावा और प्रेरी सती जही झूठ कहावा। बाबा ने भगवान की माया को प्रणाम किया कि प्रभु की माया के प्रभाव से सती जी से आज ये घटना घटी है, सती जी का दोष नहीं है। तो जीवन में एक विशेष ध्यान ये रखा जाए, किसी की हानि ना करो भैया। थोड़ा सा लाभ अपना मिलता है और किसी की हानि होना, आपको आज का लाभ दिखाई दे रहा है पर आने वाले समय में हमें उससे दुगना देना पड़ सकता है, इस चीज से बचें। और एक बार श्री विवेकानंद जी महाराज से उनके एक निकट के शिष्य ने पूछा, स्वामी हजारों वर्ष तक मैं इस भूमि पर जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं बहुत दीर्घायु हूँ, हजारों साल जीऊं, उसके लिए कोई रास्ता है क्या? स्वामी श्री विवेकानंद जी ने कहा कि अगर तुम्हें हजार साल जीना है तो कुछ नहीं करना है, केवल कर्म अच्छे कर लो। आपका कर्म अच्छा हो जाएगा ना तो तन से तो आप चले जाओगे पर आपके किए गए कर्म आपको इस धरती पर हमेशा जिंदा रखेंगे। आपके पूर्वजों ने अगर कोई मंदिर बनवाया होगा, आज वो नहीं होंगे तब भी लोग कहते होंगे कि फलाने भाई साहब ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, ये कर्म और कुछ नहीं जाएगा।